Welcome back to my YouTube channel and good morning from London. आज हमारा technically तो day 5 ऐसा कुछ है but vlog के हिसाब से हमारा day 3 है. तो आज मैं तो मेरे बालों का कुछ करने जा रही हूँ. पहले तो नीचे जाने वाली हूँ सैलून में, वहाँ पे हेयर वॉश कराऊंगी क्योंकि मैंने शैम्पू नहीं कैरी किया है बिकॉज आई थॉट आई परचेज वन फ्रॉम हियर बिकॉज मेरी बॉटल इतनी बड़ी है एंड एंड मोमेंट पे मुझे वो स्मॉल कंटेनर्स भी नहीं मिल रहे थे. तो अभी मैं नीचे सैलून जाऊंगी, वहाँ पे ब्लो ड्राई करूंगी क्योंकि मैंने एक शैम्पू यूज किया जो मुझे सूट नहीं किया. तो बहुत ज्यादा ड्राई हो गए बाल, ड्राई भी हो गए फ्रिजी भी हो गए बिकॉज यहाँ का वेदर बहुत ज्यादा मतलब यहाँ के एटमोसफेयर में बहुत ज़्यादा और यहाँ पे बहुत मॉइस्चर है बिकॉज पूरा टाइम बारिश हो रही है तो बाल ऐसे गीले हो रहे हैं और फिर फ्रिजी हो रहे हैं. आई डो नॉट लाइक इट एट ऑल. और मैं अभी बाथरूम में हूँ फिलहाल, तो मैं अभी नहाऊंगी, बॉडी वॉश करूँगी एंड देन आई गो डाउन स्टेयर्स विद अनम एंड आई डू सम हेयर स्टाइल बिकॉज पिक्चर्स अच्छे आते हैं ना कहीं से, अगर बाल अच्छे दिखते हैं तो. तो आज हमारा प्लान है कि हम एक कैफे में जाने वाले हैं जहाँ पे हमारा लंच है. बेसिकली वी कोलैबोरेटिंग विद देम एंड कैफे के बाद वील गो टू लंडन ब्रिज एंड ओवर देयर हम लोग वहाँ पे वीडियोज एंड ऑल बनेंगे और ट्राई करेंगे पिक्चर्स लेने की. पिक्चर्स लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज यहाँ पे सनसेट अराउंड 3:30 होता है. तो anyway, so अभी मैं जल्दी से नहाती हूँ. मैं अभी भी नींद में हूँ क्योंकि कल मैं बहुत कम सोई हूँ और कल बहुत थक गए थे. तो नींद आ रही है, मैं कैब में सो जाऊंगी. तो बाल कलर कराने वाला सीन तो फेल हो गया मेरा. कैन हो गया है ही नहीं, ये देखो बेबी हेयर. बेबी हेयर बेबी बट अभी ऐसा ठीक लगता है गाइस, जैसे बाहर रोड पे आता है ना खराब हो जाता है. अब क्या करेंगे हम, पास ही कल फोटो शूट भी है ऐसे दिखते वाले हम कल. पता नहीं अभी थोड़ी सेटल लग रहे हैं, हमें डर लग रहा है मेरे व्लॉग में दिख ना रहे मतलब इतने बुरे. तो हमने अभी कॉफी लिया है क्योंकि सर दुख रहा है. यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलता है गाइस, हमें 3 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिल रहा है, मतलब 3 दिन बाद बाल धोए हम, अभी धोना है मुझे. And it's like for 4,500 rupees for hair wash and blow dry. So it's quite expensive. तो हम लोग ने गाइस चाबी नहीं लाया तो मैं मोहम्मद अली को कॉल लगा रही हूँ. मोहम्मद अली हेलो, दरवाजा खोल. 100 pound देंगे तो ही बोलूँगा. 100 pound चाहिए तुझे? Yes. ठीक है ऊपर आके देती हूँ. अभी दो मेरे को. अभी कैसे दो? ऐसे स्क्रीन में डालो उधर. स्क्रीन नहीं है अबे, कैमरा लेस है. तो उसके इधर भी चाबी का सेट उस पर डालो. डाल दी नहीं अभी कॉल. अभी ऊपर जाके उसको मारूंगी गाइस 100 थप्पड़. सो गाइस मैंने ऊपर से पुराने वाला ही जैकेट पहन के आई, सोचा हेयर वॉश कराना है तो पुराना कोट पहन लूं ऊपर से सो दैट खराब ना हो. तो प्लीज जज मत करना और बोलना नहीं है पुराना पहना और पहना भी तो क्या मेरा, मैं 100 बार पहनू. आई डोंट केयर, आप लोग भी पहनो गाइस, इट्स ऑलराइट टू रिपीट क्लोथ्स, इट्स परफेक्टली नॉर्मल. 100 pound देती हूँ उसको. तो ये पकड़, अरे पकड़ दे रही हूँ. नहीं, नहीं चाहिए. ये पकड़ दे रही ना कॉफी पकड़ बैग मत ले मेरा, मैं तेरे 100 pound चाहिए ना तो दे रही. पकड़ देखा हमारे बाल कैसे लग रहे तुझे? ये नहीं तुम लोग कैसे बाल. अबे हेयर स्टाइल कैसा है? कुछ भी तो नहीं किया बंद था. थैंक यू फॉर कॉफी सो मच, सो स्वीट ऑफ यू. चोर तू हमारे रूम में क्या कर रहे हैं? सो फाइनली आई एम रेडी, एवरीवन इज रेडी और अभी हम लोग निकलने वाले हैं. देखो बाल कितने अच्छे लग रहे हैं ना, अभी कितने अच्छे लग रहे हैं बाल. इस पे चेंज नहीं जाएगा? नहीं. देख माय विल दिस लुक नाइस. क्या चश्मा? सो अभी रेडी हो चुकी हूँ. मैं फोन नहीं यूज कर पा रही क्योंकि आज मैंने नो टच वाले ग्लव्स पहने हैं और मेरे बाल देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना. देखो अब बस आप देखते जाओ, मैजिक होएगा. मुगले आजम से पगले आजम बन जाऊंगी मैं. वो ये प्योर सा लॉकेट नीचे आ गया, मुझे इसको और थोड़ा ऊपर करना चाहिए. मोहम्मद अली उबर बुक कर रहा है एंड वी आर लेट 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 लेट. एंड क्या बैग पहनो ही नहीं आज? पहनो पहनो, अच्छा दिख रहा है. बैग क्यों नहीं पहनो आज? तुझे बैग की सख्त जरूरत है, तो फोन वोन छोड़ देता है. गाइस इन लोग ने प्रैंक किया है,
तुम लोग के ऊपर ना स्टूपिड पीपल लाइक देम आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दे एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड बट ठीक है चलो अभी मैं निकलती हूँ कैब में जाती हूँ और आज थोड़ी कंफर्टेबल रहने वाली हूँ पता है क्यों क्योंकि मैं मेरा टोट बैग जो H&M का कैरी करूंगी सो आई एम प्लानिंग टू बाय द क्रिस्टियन डियोर 1 जो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था इनफैक्ट मृणु ने भी लिया है तो अगर मुझे अच्छा मिल जाएगा अच्छे कॉस्ट में ऑल यू नो तो मैं ले लूंगी अगर बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगा कि बहुत एक्सपेंसिव है तो नहीं लूंगी बिकॉज मुझे वो बैग बहुत काम आता है H&M वाला बैग मेरा फेवरेट है मतलब उसमें इतनी सारी चीजें स्टफ करती हूँ टूट जाएगा मुझे लग रहा है थोड़े दिनों में तो अभी कितना पका रही हूँ ना मैं अभी आपको बाहर लेके जाती हूँ मैं आज फर्स्ट टाइम कैमरे में शूट कर रही हूँ लंदन आके सो हाय कैमरा बालों को खराब होना शुरू हो चुके हैं बालों को खराब होना शुरू हो चुके हैं अरे कहना क्या चाहते हो बालों को खराब होना शुरू हो चुके हैं मतलब व्हाट है बालों का खराब होना शुरू हो गया वाह गाइस देखो हां इधर बहुत बारिश होने वाली है मेरे को पक्का पता है उन लोगों के बाल खराब हो गए क्योंकि क्लाउडी है वेदर बाल और कपड़े खराब है हम लोग अभी एक बहुत ही क्यूट कैफे जा रहे हैं जैसे मैंने पहले ही बताया सुपर लेट एज यूजुअल बट नहीं इससे हम लेट नहीं थे कहीं पर भी आज ज्यादा लेट हो गए आज आई थिंक अपन थक गए थे इसके लिए कल सोए भी नहीं प्रॉपरली दो दिन से अपन बहुत चल रहे थे और कल जेन्युइनली सोए नहीं और अभी हम लोग को 4:30 को टावर ब्रिज पहुंचने का है तो खा के फोटो खींचेंगे फटफट और निकल जाएंगे गाइस क्योंकि फोटो पहले खींच लेंगे खा के फोटो खींचेंगे फचफच ऑर्डर कर लेंगे ऑर्डर नहीं उनका वो रहेगा ना मेन्यू आई गेस उन्होंने बना के रखा होगा ठंडा खाली गरम करके दे और बेचारे लोग ने 1 बजे से रेडी रखा होगा अभी गरम करके दे दे हम लोग बोलेंगे उनको टेंशन मतलब वेस्ट नहीं होने देंगे वेदर बहुत ही ज्यादा जून जुलाई टाइप का है इंडिया के इंडिया का जून जुलाई बहुत ठंडी लगने वाली है अरे उधर उधर लंदन आए गायब हो चुका है गाइस अब यार जाते हैं लंदन आए क्या मजा आएगा ऊपर ना बादल में चले आएंगे वाओ वाओ नगमा नहीं यार ये सब नहीं कर सकते तू और तू कुछ भी ख्वाब मत दिखा क्यों क्योंकि हम लोग को 4:30 टावर ब्रिज जाना है गाइस तुम लोग क्या क्या एक दिन में करना चाहते हो टावर ब्रिज कल चले आएंगे फिर नहीं नहीं उधर टिकट्स लिया हुआ है इवेंट है अपना अच्छा ऐसा है हां या हेलो व्हाट इज रॉन्ग विद यू स्टॉप इट गेट सम हेल्प मैं क्यों बात कर रही हूं आज कैमरा है तो कितना मजा आ रहा है क्योंकि मेरी फोन की बैटरी नहीं डाउन होएगी सी यू एट द कैफे बाय तो हमारी कैब ने हमें ड्रॉप तो कर दिया एक जगह पे बट मुझे कैफे नहीं दिख रहा है यहाँ पे आई होप यहाँ पे हो देखो गाइस बालों का हालत दिख रहा है आपको स्लो स्लो खराब होते जा रहा है फेया 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 वेयर इज फेया द कैफे वाज सपोज्ड टू बी हियर आई डोंट नो वेयर इट इज लेट्स चेक इट आउट जब तक हम कैफे सर्च करते हैं गूगल मैप पे आप देखो ये स्ट्रीट्स कितनी अच्छी है ये थोड़ा बुदापेस्ट जैसा भी लगता है स्ट्रीट जहाँ पे हमने शादी का ड्रेस का शूट किया था मेरे एक फ़ोटो भी था वैसा वाला लग रहा है सो अभी हम वॉक करेंगे बट रेड सिग्नल है और मैंने ये नए वाले शूज़ पहने हैं तो पहन सॉरी लुक लेफ्ट लंदन स्ट्रीट्स आर सो प्रिटी टेलीफोन बूथ I guess that is the pink cafe which I'm talking about. Is that Fea? No, no, that's not Fea. यहाँ पे बहुत सारे cute cute cafeterias हैं guys. बहुत cute. I hope they will not be angry क्योंकि हम late आए हैं. So finally, Fea, Fea, Fea. इस ईयर अंदर जाके बात करके देखते हैं कि उन लोग हमें भगा देंगे कि क्या सीन है लेट गो सो गाइस हम थोड़ा लेट आ गए हैं एंड बिकॉज द रिजर्वेशंस आर ऑलरेडी डन देयर वर अदर पीपल हु हैड मेड इट लाइक बिफोर अस तो वो लोग बैठे हैं तो अब हम कोई इशू नहीं हम कोई और कैफेटेरिया चले जाएंगे 4 बजे तक कैसे भी कहीं और पहुंचे तो हम लोग अभी कहीं और बैठेंगे और चले आएंगे हम लोग जल्दी जल्दी खा के निकल जाते हैं मतलब वही सैंडविचेस या कुछ ऐसे ले लेते हैं जो फटफट खा के निकल जाते हैं यस थ्रू दैट जहाँ पे अच्छी पिक्चर्स भी आ सके अच्छी हो क्या वाह वो पिंक कैफे जाना है मुझे हाँ मेरे को भी बहुत अच्छा लगा मेरा टाइम पास करें चलो बट मुझे लगता है फुल रहने वाला है लेट्स सी लेट्स चेक आउट लेट्स ट्राई आवर लक सो ये अभी हमें सीट मिल गई है हमने खाना ऑर्डर कर लिया है सीट नहीं मिली है जुगाड़ करके बैठना पड़ा है हमारे कैफेटेरिया में पिक्चर खींचने के सपने चूर हो चुके हैं यम्मी बट नॉट
not so healthy food is here. मैंने बाहर जाके एक वॉक लिया है, रिकॉर्ड किया है और उसको मैं ट्राई करूँगी कुछ एस्थेटिक बनाने का, ट्राई करूँगी. आज हमारा बैड डे लगता है क्योंकि आज हम वाओ टावर ब्रिज के वहाँ पहुँचे हैं. वहाँ पे हमें 4:30 को पहुँचना था बट हम पहुँच रहे हैं 5 बजे और बारिश हो रही है. बारिश हो रही है गाइस, बट मैं सामने व्यू देख सकती हूँ, इट्स सो ब्यूटिफुल. कभी कभी मैं खुद देखती हूँ सो दैट मैं इंजॉय कर सकूँ और फिर आपको बता सकूँ. तो हम टावर ब्रिज के ऊपर हैं. आज है डे टू और मे बी, अरे मतलब मेरा कल और आज का एक ही ब्लॉग निकलने का डे टू. हाँ तो मतलब पार्ट टू है, आज सेकेंड डे है मतलब ये ब्लॉग के हिसाब से, बिकॉज मैं कल का ब्लॉग और आज का ब्लॉग मिक्स करके बनाने वाली हूँ, दो अलग अलग नहीं होगी. हो गया अगर तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. ओके और आज मैंने पहना देखो ये चीता प्रिंट काइंड ऑफ थिंग बिकॉज कॉपी कर रही मुझे क्योंकि मैंने पहना था चीता. कब? अच्छा टाइगर पहना था तो चीता बन गई. तो सबने रेडी हो क्या है आज? क्यों रेडी हुआ सब ऐसा? क्योंकि हम जा रहे हैं टावर ब्रिज पे पिक्चर्स निकालने, फोटोशूट करने. प्रॉपर फोटोशूट तो ये देखो इससे दूर नहीं हाथ कर सकते. अभी हम लोग फोटोशूट करने वाले हैं मेरे एक फोटोग्राफर फ्रेंड के साथ. लाइक हमने 2016 में काम किया था साथ में एंड कोइंसिडेंटली नहीं, आई मीन वो शायद लंदन में ही काम करता है. तो उसने मुझे डीएम किया एंड आई वाज लाइक प्लीज यस लेट्स कैच अप फॉर अ फोटोशूट बिकॉज व्हाट्स बेटर देन गेटिंग गुड हाई क्वालिटी पिक्चर्स. तो अभी हम जाने वाले टावर ब्रिज और हमें शायद दो ढाई घंटे मिलेंगे मतलब ऐसा अप्रोक्सीमेटली. उससे पहले सनसेट हो जाए है ना. क्या कर रही है? मेरा फोटो ले रही है ऐसे. मैंने देखो क्या पहना है गाइस, मैंने बूट्स पहना है, ये कोट पहना है, ये कोट लिया मैंने H&M से, पैंट्स आल्सो H&M, ज़ारा से है बूट्स. ये यहाँ के H&M में मिलेगा मुझे लगता है क्योंकि इंडिया में इसकी ज़रूरत ही नहीं, इतना गर्म है, वार्म है और इतना हैवी है. तो अगर अपने इधर मिलता है तो ठीक है ले लो, मनाली में पहन लेना. सो माई फ्रेंड इज योर After so many years, we're gonna shoot again together. So I'm really excited because I have faith in him and he clicks amazing pictures. So I'll put all the pictures. जो भी हम खींचेंगे मैं इसमें बताऊंगी और देखते हैं हम क्या क्या खींचेंगे. इतने सारे ब्लॉगर्स हैं, बाप रे सो मेनी ब्लॉगर्स. तुम्हारा फोन है ना, कोई भी निकाल के जाएगा ऐसे करेगा. ऐसे करने तक मार दूंगी मैं. गायब भी हो जाएगा, मार भी पड़ेगा तुमको. We're gonna shoot the tower bridge from here. यहाँ से ही सब लोग खींचते हैं. हम लोग यहाँ पे टावर ब्रिज के साथ पिक्चर्स लेने वाले हैं और मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे. आई गेस छल्ला इधर ही किया था तो मैं छल्ला भी करूँगी. आई मेक श्योर दैट आई शूट इट बिकॉज वाई नॉट, बॉलीवुड है हमारी रगों में. तो लंदन आके बॉलीवुड सॉन्ग्स तो करूँगी, इंग्लिश भी करूँगी, सब मिक्स करूँगी. सो यहाँ पे सारे बच्चे खेल रहे हैं पिजन के साथ. बहुत क्यूट बच्चे हैं, सो क्यूट. मुझे पहले से ही कॉम कर लेना चाहिए था, अभी मेरे बाल फिर से सेट हो चुके हैं. यहाँ पे बालों का बहुत इशू हो रहा है, गुस्सा आ रहा है बट कोई नहीं. देखो ये अभी मोहम्मद अली का शूट चल रहा है. अभी अवेज और अनम वहाँ पे रील बना रहे हैं, इसके बाद वो लोग खींचेंगे, देन अगेन मैं खींचूंगी क्योंकि वाइड एंगल का लेंस चेंज होने वाला है. यहाँ पे वेदर बहुत ही अच्छा है, फिलहाल इतनी ठंड नहीं है. आई नो जैसे ही शाम हो जाएगी, शाम मतलब 3-4 बज जाएंगे, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा एंड सडनली ऐसे हो जाएगा. अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहा हूँ, मत करो. देखो मैंने BTS लेने बोली तो क्योंकि तुझे बोली BTS लेने, तूने नहीं लिया. ओके सो बाय. सो अभी हम अवेज का एक वीडियो बनाने वाले हैं, दिन आनंदिन धा. अरे आज बादल है पता है, क्योंकि बारिश हो रही है, बादल रोज होते हैं. ब्लू वाला स्काई वाला टाइप. हम लोग 50 बरसा इसके लिए. बाय, गो सेफली. हम 50 बरसा इसके लिए बना रहे क्योंकि यहाँ पर भी बारिश हो रही है यार, रोज इंडिया इंडिया की बारिश हमारा पीछा नहीं छोड़ी. अरे जॉर्डन मत घसो, मुझे दिल में कुछ हो रहा है गाइस. अभी ये ना मोहम्मद अली ने मेरा कपड़ा पहना है, मैंने उसका कपड़ा पहनी हूँ. नहीं दिखेगा आपको, अभी आपको अवेश के वीडियो में दिख गया होगा अब तक. चलो चलो अवेश जल्दी जल्दी, मेरा बैग उधर है देखो गाइस, कोई अगर लेके गया माफ नहीं करेगी जनता. इसमें क्या पत्थर डाला है इतना हैवी है वो बैग. हाँ सबको क्रिश्चियन डियोर समझ के लेना था गाइस. जल्दी मुझे सीडी भी लेना है, जल्दी चलो. क्या लेना? सीडी क्रिश्चियन डियोर. मेरे को भी सीडी चाहिए, PS4 की. PS4 ले पहले. PS4 है घर पे उसका, हुआ है क्या? हाँ ना, लू क्या तुझे गिफ्ट दू? PS5 क्या करूँ, बर्थडे गिफ्ट खेलता दो नहीं.
तो फिर क्यों मांग रहा है? अच्छा लगता है मम्मी चिल्लाती यार घर। बाय बाय बाय। सो फाइनली वी आर डन विद शूटिंग एंड एवरीथिंग। हमने बहुत सारे रील्स बनाए, बहुत सारे नहीं बट सबने एटलीस्ट एक एक दो दो अच्छे वीडियो स्लोमोज ले लिया। अभी म्यूजिक वो सब डाले गए एंड कितना क्यूट लग रहा है देखो ये, अभी कितना क्यूट लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है तू इसमें। अबे यार तू स्ट्रॉन्ग है, तुझे क्या है ठंडी लगती है? अभी थोड़े टाइम में ठीक हो जाऊंगा। हां मेरे पास वो भी है, देखो वार्मर चाहिए का है ये। सो क्यूट, so cute, jump jump jump, woo, yay, कितनी अच्छी जैकेट पहना है सर, देख इतना सही रहना चाहिए। नो नो क्यूट ये बड़ा तू भी ऐसी लग रही है, लगेगा मैं की क्यूट लग रही था। ये मेरे को ये ट्राई करना है, क्या ये कैरमलाइज्ड पीनट्स एंड आलमंड्स छुट्टा है तो ले लो। हाउ मच इज दिस फॉर? 3 pounds। हम लोग अभी देख रहे कोई अच्छी कैफेटेरिया जहाँ पे हम बैठ के खाएंगे, बिकॉज हमने लंच ही नहीं किया है। हम लोग दो ब्रेड खाया था खाना इम्पोर्टेंट है गाइस, क्योंकि फिर ना एसिडिटी हो जाती है। और SPF को सेटल होने के लिए मैं 10 मिनट्स ऐसा कुछ देती हूँ बिफोर अप्लाइंग मेकअप, तो मैंने सोचा वो टाइम ड्यूरेशन यूज कर लूँ ताकि स्किन अब्सॉर्ब कर ले मेकअप, फिर ब्लेंड हो जाएगा, फिर वो निकल जाता है। सो यू नो इट्स लाइक दैट। सो अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, हमें फाइनली एक लोकल टैक्सी मिल गई थी। हमारा ऊबर क्यों नहीं चल रहा है पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या सीन हो रहा है। हमें एक टैक्सी मिल गई और हम लोग कोवेंट गार्डन पहुंच चुके हैं। यहाँ पे थोड़ी शॉपिंग करेंगे, खाएंगे कुछ, और शॉपिंग का नाम सुनते ही पहले हम आ चुके हैं केक गेम में। सो केक गेम में बेसिकली यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे और लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स, जो जैसे हमारे यहाँ पे कौन कौन सा है, वेज नॉन वेज है, ये सब है। तो केक गेम यहाँ का मतलब तो बहुत है बट हाँ वन ऑफ द डीलर्स जैसा बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्यू है तो क्योंकि बहुत लोग पीछे पड़े हैं स्नीकर्स के। एंड हम लोग जो कोवेंट गार्डन में आए ना, कोवेंट गार्डन में इतने क्यूट क्यूट मार्केट्स हैं छोटे छोटे। इफ़ आई गेट टाइम आई विल मेक अ डिटेल्ड व्लॉग कि क्या क्या होता है। और यू नो रिंग्स है, एंटीक्स है, मैंने देखा पुराने ज़माने के टेलीफोन्स ये सब वो लोग बेच रहे हैं, तो ऐसा लगता है वाव। और मैंने मेकअप रिमूवर ले लिया बट मेरे को अभी लग रहा है मेरे को फिर से लेना पड़ेगा मेकअप रिमूवर। मैं ये वाला अवेश को दे दूंगी। बेसिकली इट वाज अ क्लेंजिंग बाम, मैंने घर से क्लेंजिंग बाम लाना भूल गई थी, तो मैंने अभी एक फार्मेसी से ख़रीदा। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे जो ब्रांड्स हैं मुझे मेरे सामने दिख रहे हैं, सो आई बाय वन मोर एंड गिव दिस वन टू अवेश। कुछ कहना चाहता है? ओके बाय। सो काफ़ी शॉपिंग करने के बाद हम खाने आए हैं और हमने बहुत चल के ढूंढा, हमें फाइनली एक इटालियन रेस्टोरेंट मिला है। हाउ इज द फूड? इट्स अमेजिंग। सो व्हाट इज दिस रेस्टोरेंट कॉल्ड? जीजी। जीजी जुजू। इटालियन राइट? यम्मी इन माय टमी। सो अभी खाने के बाद मिलती हूँ और देखते क्या प्लान है। और थोड़े गेस्ट आने वाले हैं लंदन में, हमें मिलने हैं। So we are super excited and tomorrow is a big day because we are a surprise. कल बताऊंगी, मत बताओ इसके ब्लॉग में।